विकल बाबा जो भी धुन गाते हैं वो कठिन होती, कठिन से कठिन नहीं होती, सरल से सरल होती। अच्छा, मगर इनके लिए मंच पे सरल साहब बैठे हैं, इनके लिए तो कठिन है। और शायद धुन आपको अच्छी लगे, ऐसी धुन बाबा विकल नहीं गाते रात में जो दिक्कत हो दे, और धुन में भी आनंद आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम खुद और प्रयास किया जा रहा है। आइए, फिल्म वालों ने टुकड़ा गाया है, सुनिए सुनिए। मैया गीत गाया, अब प्रथम गीत बाबा जी की ओर से, क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती भी मनाई जा रही है और आज शरद पूर्णिमा भी है। क्या बात, क्या बात, ये जानकारी है। तो आइए, प्रथम गीत है बाबा जी की ओर से, जिस समय वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जी 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 गुरु बिल्कुल किया, और जब रामायण की रचना की तो एक बार वाल्मीकि जी जब जंगल से गुजरे तो कुछ शिलाएं जंगल में पड़ी, जिसमें श्लोक, जिसमें कुछ चौपाइयां लिखी हुई थी, उन्होंने पढ़ा तो वाल्मीकि जी को चिंता हुई, संशय में पड़ गए। और जब संशय में पड़े तो उन्होंने ध्यान किया, तो जब हनुमान जी का ध्यान आया, बजरंग बली एक कंधरा की गुफा में श्री राम जय राम का भजन कर रहे थे, पहुंच गए वाल्मीकि जी। उन्होंने कहा कि प्रभु प्रभु, अगर आपकी ये रचना आपने जो लिखी है, क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु भगवान श्री राम की सेवा में रहे हो, हाथ रहा हो, तो हमारी रचना प्रभु के आगे फीकी, हमारी कौन रामायण ये पूजे। सही बात। हनुमान जी ने जैसे ही वाल्मीकि को देखा तो उनका संशय का निवारण हनुमान जी ने निदान कर लिया कि जितनी भी शिलाएं थी अपने कमर बांध करके सारी शिलाएं समुद्र में फेंक दी, फेंक दी। आइए, गीत आपको समझ में आ जाएगा, आइए सुनिए। आप सुनिए, गीत कठिन है, आपने मत कहना नहीं सुना।
सो अर्थ है या अनर्थ है मेरी रचना बेअर्थ है बाबा आपके आगे हाँ है शिला लेखन पर कप की प्रति पारायण कौन पड़ेगा क्या बात है शिला ये लेख पे कप की प्रति प्रति माने प्रति माने पारायण कौन पड़ेगा पारायण कौन पड़ेगा इस रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा कहना है शिलालेख पर कब की प्रति पारायण कौन पढ़ेगा रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा रामायण आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा रामायण आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा क्या बात है कहना है एक पुष्पाल हमारे उद्घोषक महोदय जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है सर जी की तरफ से मैं उनको नमन प्रणाम कर रहा हूँ क्या बात इस रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़े इस रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा इस रामायण आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा आइए सुनिए गीत को सुनिए शायद पसंद आए शिलालेख अभिलेख निहार शिला पर जो लेख लिखा था कप के सुलेख आलेख है प्यारे शिला लेख अपलेख निहारे कप के सुलेख आलेख है प्यारे कहना है क्या कि कप के सुलेख आलेख है प्यारे है नित निहारे नैनो से हनुमान जी जो आपको सेवा में रहते हैं नित उनका जाप करते हैं उनको देखते हैं है नित निहारे नैनो से नारायण कौन पढ़ेगा इस रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा इस रामायण आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा और एक दूसरी बात प्रभु के पास हो उदास हो गए हाँ
बली के पास पहुंचे। पहुंचे प्रभु के पास हो उदास हो गए। बजरंग बली वो बजरंग बली के वो पास गए हैं। प्रभु के पास उदास गए हैं, बजरंग बली के पास गए। क्या बात, वाह। बजरंग बली के वो पास गए हैं। अब देखिए, अब देखिए, तीनों ताप हरणी है ये, तारायण कौन पढ़ेगा। क्या बात। इसलिए इस रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़े। अंतिम पंक्तियां सुने रंजू भैया, शांत पसंद आए तो। हनुमान जी ने जैसे ही सुना, वाल्मीकि जी को देखा, कपि हर्षित हो हनुमान जी ने युक्ति निकाले। काली क्या हुआ, क्या हुआ, क्या किया दादा, सुनिए सुनिए। शिलालेख जितनी भी उन्होंने शिला लिखी बजरंग बली ने, शिलालेख सागर में है डाले। कहना है क्या, कपि हर्षित हो युक्ति निकाले, शिलालेख सागर में डाले। और कहना है बिकल निडर ये पाप करे, सारायण कौन पढ़ेगा। क्या बात। बिकल निडर ये पाप करे, सारायण कौन पढ़ेगा। तो देखिए इस रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। गीत भैया के लिए, रंजीत भैया के लिए। और इसी बीच में जय मां नव दुर्गा समिति की ओर से, जागरण समिति की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। मनसा खेड़ा 51 रुपए से है, और ये 21 रुपए का आशीर्वाद किसी भैया की ओर से है, और ये 21 रुपया और एक नन्ने मुन्ने भैया की ओर से आए हैं, 11 रुपए का आशीर्वाद। एक और सभी दानदाताओं को मैं नमन प्रणाम कर रहा हूँ। और ये अजीत सैनी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के जो हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन मंत्री हैं, और उनके कार्यक्रम द्वारा ये ऑनलाइन 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। समस्त ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के पदाधिकारियों को विकल बाबा जी की ओर से नमन प्रणाम कर रहा हूँ। आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बाबा जी ने
जो बातें रखी निश्चित रूप से माने, आदरणीय बाबा जी को आवाज दी है, अल्फाज दी है और अनोखा अंदाज भी दिया है। अल्फाज, अंदाज और आवाज के धनी बाबा विकल जी के लिए मैं आपकी जोरदार तालियां मांगता हूं। और रामायण का प्रसंग आपने रखा, बहुत अच्छा रखा। निश्चित रूप से मुझे नजर आ रही कुछ हमारी बहन बेटियां भी, हमारी बहुएं भी बैठी हैं। अभी रामायण की बात आई, हम कभी लोग बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते। दादा, रामायण जब कोई स्त्री, कोई लड़की बहुत अच्छी होती है तो उसको कहा जाता है ये लड़की या औरत सीता है। क्यों सीता कही जाती है हमारी माताएं बहनें बेटियां? रंजीत भैया सुनो, राज सुख भोग हो चाहे उपवास हो, सभी हमारी बहन बेटियां बहुएं सुने कि राज सुख भोग हो चाहे उपवास हो, चाहे उल्लास हो चाहे संत्रास हो, राम का साथ सीता ने छोड़ा नहीं, राम का साथ सीता ने छोड़ा नहीं, चाहे रनिवास हो चाहे वन वास हो, चाहे रनिवास हो चाहे वन वास हो। दादाजी में बिल्कुल अहंकार नहीं, बिल्कुल अहंकार नहीं। ये बात दादाजी का जो व्यक्तित्व मैंने देखा, हमारे कुनबे के किसी बड़े कवि ने कहा है कि बात और है, ये बात और है, वो चुपचाप खड़े रहते हैं मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। बड़े दादाजी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो बड़े लोग हैं वो बड़े रहते हैं। हमारे रणजीत जी भी आवाज और अंदाज कम नहीं है, दोनों कलाकार आज हमारा मंच धन्य हो रहा है। लेकिन मैं इस मंच की सबसे छोटी आवाज हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये रात बहुत कीमती है। हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, तमाम इसमें ऐसे लोग भी बैठे जो किसी की नहीं सुनते, वो कीर्तन सुन रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जो किसी की नहीं सुनते वो कीर्तन सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं इस कीर्तन की रफ्तार को थोड़ा और बढ़ाया जाए। अगर कमेटी के लोग इससे सक्सेस मतलब समर्थन में है तो आप तालियां बजाइए। एक निर्धारित समय रख दिया जाए कि आधे आधे घंटे का अगर वक्त रखा जाए तो ये दो चार छह राउंड मुझे लग रहा हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर ये लोग हमारी दोस्ती देखने नहीं आए हैं, मिली जुली कुश्ती नेताओं में खूब देखने को मिल रही है, यह हमारी नोकझोंक सुनने के लिए आए हैं। एक पंडित जी ब्रजभूमि दर्शन करने जा रहे हैं, आदरणीय हौसला जी, जी प्रधान जी ने 20 मिनट कर दिया, लेकिन मैं जानता हूं प्रधान जी का आदेश हम लोगों के लिए है, अध्यादेश है। तो पंडित जी ब्रज की लठमार होली देखने जा रहे हैं। हमने कहा पंडित जी वहां ब्रज में कुछ रहने गया लठमार होली? हमने कहा पंडित जी सुनिए कि बम विस्फोट के धमाके तोपों की दहाड़, गोलियों में कोयलों की बोली बंद हो गई, और हिंसा उन्माद की लगी हुई है आगवाज, खुशियां बिखेरती रंगोली बंद हो गई, संसद विधान सभाओं में दंगे होने लगे, वक्त की तबाही में ठिठोली बंद हो गई, और नेताओं में जूते लाठी डंडे चलने लगे, तो गोकुल की लठमार होली बंद हो गई, नेताओं में जूते लाठी। ये समझे, ये कार्यवाही जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते होंगे लोग, ये देश के नेता हैं हमारे, कैसे लड़ झगड़ रहे हैं, क्या पहचान जाती होगी। आइए, मैं अहंकार कहीं मंच पे नहीं दिख पा रहा, मैं रावण की अदालत में खड़ा हूं और रावण से प्रश्न करता हूं और दादा रणजीत जी को बुलाता हूं कि मां सीता से नजर मिला ना पाए हो,
माँ सीता से नजर मिला ना पाए हो और अंगद का पांव हिला ना पाए हो। हनुमान जी लंक जला कर चले गए और तुम उनकी पूंछ जला ना पाए हो, और तुम उनकी पूंछ जला ना पाए हो। ये हरिओम सरजी जी ने हमें 50 रुपए का पुरस्कार दिया है और ये पुरस्कार मैं आदरणीय बाबा जी और आदरणीय जी के राज्य के दोनों के बीच में वितरित करता हूँ। आइए, मैं राज जी को बुला रहा हूँ, वो आए। और कीर्तन की रफ्तार को मैं चाहता हूँ, जो हमारी नौजवान पीढ़ी को, हमारे समाज को, हमारे जिम्मेदारों को जो एक दिशा दे सकें, ऐसे कीर्तनों की श्रृंखला अगर शुरू की जाए तो हम लोग उन कीर्तनों को प्रसाद के रूप में ले जाएंगे। बहुत सच्चे दरबार कीजिए। आपके बीच में देश का बहुत लाडला नाम रणजीत राज जी, आपके बीच में एक बार जोरदार तालियां बजाइए रणजीत जी के। हेलो हेलो, बढ़िया कार्यक्रम आप सभी ने सुना। बहुत बढ़िया सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको आदरणीय बाबा जी। तालियां आप बजाइए बाबा जी के लिए। जय 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 हो। सबका दिल हो गए, सब कातिल हो गए, यहाँ सहनाई कौन तलाश रहा, तलाश रहा, कौन तलाश रहा। नंदन भैया, सब कातिल हो गए, यहाँ सहनाई कौन तलाश रहा। मिट्टी से लिपी पुती वो अंगनाई कौन तलाश रहा। आदरणीय संचालक जी, सब कातिल हो गए, यहाँ सहनाई कौन तलाश रहा। मिट्टी से लिपी पुती वो अंगनाई कौन तलाश रहा। दूषित मन हो गए सबके आज इस फिल्मों के काले युग में, दूषित मन हो गए फिल्मों के इस काले युग में। तुलसीदास जी की वो पावन चौपाई कौन तलाश रहा। धन्यवाद है आदरणीय बाबा जी। मैं जवाब के लिए कुछ भी नहीं, कुछ मत कहो, कुछ भी नहीं कहूंगा। आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छा। बसरते हमको लगा कि कहीं से आपको हमसे दिक्कत हुई, भटक गए। आपने कहा कि हम लोग धुन ऐसी नहीं गाते। आप यकीन मानिए, मेरा मन तब वैसा कुछ भी नहीं था। अब चूंकि कलाकार को कई चीजें ध्यान देना पड़ता है बाबा जी, ये चैनल चल रहा है, चैनल के माध्यम से हर रोज ऑनलाइन दर्शक सुनते हैं, संजय भैया यहाँ लोग सुनते हैं, तो गीत को बदलना पड़ता है। तो उसमें धुन भी चर्चित थी कोई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबने सुना हो। धुन के लिए कोई महत्व रखता ही नहीं है, जवाबी का मंच है। और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर आपको लगा हो कि मैंने ऐसा कुछ फंसाने के लिए किया तो नहीं। हम कहाँ फंसा पाए, आप खुद फंसाए बच्चे को। रात तो हम खुद ही फंसे हमारा। धन्यवाद है, आपका सम्मान हृदय में है, आप बिल्कुल निश्चिंत। आप हमारे गुरु तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, ऐसी कोई बात मंच से नहीं जाएगी जो आपके सम्मान के विपरीत हो। और चूंकि इसी का नाम दादाजी कीर्तन है, अगर मर्यादा कीर्तन में नहीं है तो हमारे समिति वाले सामर्थ्यवान हैं, कोई और कार्यक्रम करा सकते थे, आर्केस्ट्रा करा ले। बिल्कुल, तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें भीड़ क्या, अभी यहाँ हमारे आदरणीय प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं, वो भी मुश्किल हो जाते, पसीने हो जाते, न थाम पाते पब्लिक। बिल्कुल, इतनी भीड़ होती है। लेकिन ये तो कीर्तन है, कीर्तन वही सुनेगा, बड़ी सीधी बात है, कीर्तन वही सुनेगा जिसके ऊपर हरि कृपा हो। ये बात है, और साधारण लोग कीर्तन नहीं समझ सकते ना सुन सकते, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी तो तभी वो अपने दरबार में आपको बुलाएंगे। तो आइए, बढ़िया जवाब दिया है आपने, कुछ भी नहीं कहूंगा मैं, संपूर्ण रात्रि आप जो कहें मेरे लिए आशीर्वाद। जय जय Bye.
कि कब मैं उससे प्यार करूंगी। हमारी समिति की तरफ से सादर प्रणाम कर रहा हूं सभी सदस्यों को। सुनिएगा कि ए खटा ये पता क्या तुझे है पता अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अरे सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो। बढ़िया गीत दिया है आदरणीय बाबा जी ने। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज ये जो आपने पत्थर की शिला पर रामायण की मानस की रचना कर दी है रामायण की, अब आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, बात समझिएगा। उसके बाद आपने लिखा है कि इस पारायण कौन पढ़ेगा, इस पारायण को कौन पढ़ेगा। फिर लिखा है आपने कि है नित्य निहारे नयनों के नारायण कौन नारायण पढ़ेगा। फिर आपने लिखा छारायण कौन पढ़ेगा। कुछ बातें आदरणीय बाबा जी समझ में नहीं आई। नारायण कौन पढ़ेगा, छारायण कौन पढ़ेगा, नारायण कौन, हो सकता है आपने कुछ अर्थ बनाया। चलिए अच्छी बात है, आपके गीत का मतलब ये है कि वाल्मीकि जी वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज आपने रामायण पहले लिख दी है तो आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। अब आइए देखिए, अब जवाब तो वहां से बनता है कि हनुमान जी भी कुछ कहें। अब देखिए हमारे गीत में जवाब की पंक्तियों में हनुमान जी महर्षि वाल्मीकि से कह रहे हैं कि आप अपने मन को उदास मत करिए, हम बता रहे हैं कौन पढ़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि महाराज महाराज वाल्मीकि जी कि सुन व्यथा, एक एक शब्द सुनिएगा, पसंद आए तो आपकी तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा जब आपकी पंक्तियां बाबा जी सुन हनुमान जी कि सुन व्यथा, किसकी व्यथा, वाल्मीकि जी की व्यथा, कि सुन व्यथा तो मन मथा, कि सुन व्यथा तो मन मथा हो चर्चित तेरी कथा। आप चिंता ना करिए, चिंता ना करिए बाबा जी, आप चिंता ना करिए कि सुन व्यथा तो मन मथा हो चर्चित तेरी कथा। रच महेश मन ये रख लेगा मानसी से पढ़ेगा। बात है ये, आप करें कौन पढ़ेगा। अभी मैं गीत को खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। रच महेश मन मानस
अरे रचो के रचना बन के तुलसी। जब आप तुलसीदास के रूप में अवतरित होंगे तो मेरे द्वारा ही प्रेरणा पा करके आप श्री रामचरितमानस की रचना करेंगे। आज जब रचेंगे तो रच महेश मन ये रख ले, ये मानस इसे पढ़ेगा। अरे रचो के रचना बन के तुलसी, तो ये जनमानस इसे पढ़ेगा। क्या बात है ये। जब आप तुलसीदास के रूप में श्री रामचरितमानस की रचना करेंगे तो आज घर घर में मानस का पाठ हो रहा है। और इतने सरल भाषा में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि हर व्यक्ति पढ़ रहा है। तो अरे रचो के रचना, ये इन जवाब की पंक्तियों पर दादा श्री संत राम चौरसिया जी 51 पत्र बन रहा हूँ के साथ मोहर लगा रहे, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। रचो के रचना बन के तुलसी, जनमानस इसे पढ़े। रामचरित मानस को रचाऊं, किसे? आपसे। रामचरित मानस को रचाऊं, और हस्ताक्षर शिव जी से कराऊं। पढ़ेगा अरे रच, हाँ हाँ रचो के रचना बन के तुलसी, जनमानस इसे पढ़े। आदरणीय बाबा जी, आपने कहा कि कलाकार दो अंतरे का जवाब देते हैं, मैं चार अंतरे में दे रहा हूँ। जरूरी नहीं होता है बाबा जी, मैं आपको सलाह नहीं दे सकता हूँ, ये जरूरी नहीं होता कि चार अंतरे का जवाब आए, बस जो आए वो सटीक आ जाए। कलाकार प्रयास करता है, पर्याप्त है दो अंतरा, चूंकि समय के बंधन में भी बांधा जाता है समिति के द्वारा, जनता के द्वारा, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सवाल है, कटपीस है, और जवाब आपने बढ़िया दिया है। चूंकि हमने दिखाया था कि माता रानी के 100 के 51 टुकड़े हुए, 51 शक्तिपीठ बन गए, तो आपने दिखाया कि कहां कौन से अंग गिरे तो कहां कौन से शक्तिपीठ का नाम। अच्छी बात है, विश्लेषण आपने कर दिया। बाकी तो अगर 51 शक्तिपीठ का विश्लेषण आप करते तो चार का 40 अंतरे हो जाए। बिल्कुल बढ़िया बात है। आइए एक बात और सुनेगा, ये जो श्री रामचरित मानस होगा वो होगा कैसे? कि सब ग्रंथों का समीकरण हो। वाह नागेंद्र भाई, बिल्कुल सब ग्रंथों का समीकरण हो। अब पावन पढ़ के, संजय भैया, पावन पढ़ के ये अंतःकरण हो। पावन पढ़ के ये अंतःकरण हो, नस नस में व्यापेगी सबके। अरे नस नस में व्यापेगी सबके, पाप पारसी से पढ़ेगा। नस नस में व्यापेगी सबके, पापा रसी से पढ़ेगा। रचो के रचना बन के तुलसी, जनमानस से पढ़ेगा। अरे रचो के रचना बन के तुलसी, जनमानस से पढ़ेगा। Yeah.
रामचरितमानस की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आपने कहा कि वाल्मीकि जी व्यथित हैं कि आखिर कौन पढ़ेगा मेरी रामायण को, तो मैंने बताने का प्रयास किया कि हनुमान जी कह रहे हैं कि महर्षि जब आप तुलसीदास के रूप में अवतरित होंगे तो आप के द्वारा मेरे ही द्वारा आपसे रचना कराई जाएगी श्री रामचरित मानस के रूप में, और इस मानस को ये पूरा जनमानस पढ़ेगा। ये रहा मेरी तरफ से जवाब का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद है।